राधे राधे, वेलकम बैक टू बियॉन्ड माय लिमिट ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड हम यहाँ पर एकदम फिट एंड फाइन हैं। तो आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ गाइस, सीरियसली। अरे वो कहाँ रख दिया? मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। कोम कहाँ है? किचन में खाना बन रहा है और अभी मैं शार लेके भी आ गई। देखा, बहुत सारे काम एक साथ चलते रहते हैं। और यू नो, मैं मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आई डोंट नो बट कल मैं रात को सोई हूँ 1:30 AM को सो के मैं उठी। कितने बजे? 7:20 को सो के 7:20 उठी हूँ और 1:20 को मुझे एग्जैक्ट नींद आ गई है, प्रॉपर नींद आ गई है। और सडनली मेरी नींद 7:20 पे खुली एंड उठते ही उठते मैं एकदम ऐसे चिल्लाने लगी, ये आज मैं सोई बोल के ऐसी फीलिंग आई। इसके पीछे रीज़न है, यस, कल मैंने उसका ब्लॉगिंग नहीं किया बट कल मैं गई थी आयुर्वेदिक क्लिनिक गई थी, क्योंकि एलोपैथी खा के तो भैया हमने देख लिया, एलोपैथी ने तो मेरा कुछ ठीक नहीं किया। तो यस, मैं गई थी आयुर्वेदिक क्लिनिक। और गाइस, अगर आपको लगता है ना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन सस्ते होते हैं, हाँ फ़ोन आ गया था एक्चुअली, तो अगर आपको लगता है ना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं वो सस्ती होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। वो एलोपैथी से भी ज़्यादा महंगी होती हैं, सीरियसली। मैं कॉस्ट ये सब नहीं बताना चाहती बट स्टिल आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत कॉस्टली होती है और मुझे पता नहीं था, मुझे तो कल ही पता चला। और मैं पता है पैदल गई थी, ताकि ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 1.5 किलोमीटर है वो क्लिनिक यहाँ मेरे घर से दूर, बट मैं फिर भी पैदल गई थी ताकि मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा थक जाऊँ ताकि रात को मुझे नींद आए एंड ऑल, तो मैं इसलिए पैदल गई थी। मेरे पास गाड़ी नहीं थी कल और मैं चाहती थी मैं रैपिडो बुक करके जा सकती थी, बट नहीं, मुझे पैदल गई क्लिनिक में, डॉक्टर से मिली, मेडिसिन लिया और पैदल ही वापस आई। और यस, दैट मेडिसिन वर्क्ड यार, मतलब अभी पूरा 24 आवर्स भी नहीं हुआ और मेडिसिन ने काम किया है। और एक मेडिसिन ही, 5 मेडिसिन मिली है मुझे सिर्फ कॉफ के लिए, बट मेरे लिए ज़रूरी था गाइस। नेबुलाइजर करके भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आपको मेडिसिन ये सब नहीं दिखाना चाहती बट ये कुछ है पाउडर जैसा, ये इतना अच्छा पाउडर है मैं आपको दिखाऊंगी। अभी परी ने क्या मंगाया? ये गार्बेज बैग। ओके, ये मुझे बड़ा लग रहा है परी, गार्बेज बैग थोड़ा ज़्यादा बड़ा। हाँ, लार्ज साइज है वही, लार्ज अपने को नहीं चाहिए ना, लार्ज क्या करेंगे। चलो देखेंगे क्या है। तो ये देखो, ये मेरी मेडिसिन देखो, चाय जैसी बन गई। एक्चुअली लुकवॉर्म वाटर है, मतलब गुनगुना पानी है ये, कोई एकदम गर्म पानी नहीं है। और इसमें आधा टीस्पून ये पाउडर मिलाना है और पीना है। और ये जो चाय जैसी चीज़ मैं पी रही हूँ ना, ये ना बहुत ही, ये ना मसाला चाय होती है ना, मसाला चाय वैसा, दालचीनी का टेस्ट आ रहा है, मतलब मस्त है। ये मुझे सबसे अच्छी मेडिसिन यही लगी, क्योंकि इसको पीने में ना बहुत अच्छा लग रहा है, मसाला मसाला गरम मसालों वाला टेस्ट आ रहा है दालचीनी का। यस, आई एम लविंग इट। ये एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी और इसे मुझे हर 3 घंटे पे पीना है, जब तक कि मेरा ठीक नहीं हो जाता। हर 3 घंटे पे पीना है, जब ठीक हो जाएगा तो और 2-3 दिन मुझे इसे फिर 5-5, 6-6 घंटे में एक बार पीना है। आई एम लविंग। और ये पीने के बाद ना मुझे च्यवनप्राश जैसा कुछ है। ये च्यवनप्राश जैसा, इसको बस ऐसे ही बोला उन्होंने, इसको हाथ में लेके चाटो, चाटते जाओ। तो मैं इसको वही कर रही हूँ, चाटू राम की तरह काम कर रही हूँ इसे मैं। इसको मैं ये पीने के बाद इसे चाटना है थोड़ा सा हाथ पे लेके चाटना है। ये तो च्यवनप्राश है तो ये भी ठीक है, बाकी जो 3 मेडिसिन है इतनी कड़वी है, ओ माई गॉड। बट यस, अच्छी है, टच वुड, मुझे सही मेडिकेशन अब जाके मिला है।
नहीं तो नेबुलाइजर कर लिया, एलोपैथी ट्राई कर लिया, घर के नुस्खे ट्राई कर लिया, अरे वो हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, पता नहीं क्या क्या ट्राई करा, कुछ नहीं हुआ मतलब. बट यस, दिस इज वर्किंग ऑन मी, मतलब विद इन 24 आवर्स, नॉट इवन आफ्टर 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स दिस इज वर्किंग ऑन मी. थैंक यू सो मच टू आयुर्वेदा, जो हमारा भारत का है. मैं चाहूँगी आप में से कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो ना, आयुर्वेदिक क्लिनिक जाओ, वहाँ से अपनी मेडिकेशन लो, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और ये चीज़ें अच्छा काम भी करती हैं. आज हमारे घर में बना है मैक्सिकन राइस, वो भी मेरे, मतलब ये मेरा आइडिया नहीं था, मुझे तो था कि फ्राइड राइस बने, बट परी ने बोला मामा मेरे पास रेसिपी है और हम बनाएंगे मैक्सिकन राइस. परी ने इसकी तैयारी सब की और मैंने बस गैस वाला काम मैंने किया, बाकी परी ने पूरा कटिंग पटिंग जो भी थे सब्जियां उसने काटी हैं. लेट्स टेस्ट इट. और ना मुझे इस मैक्सिकन राइस के साथ मन कर रहा है कर्ड और यू नो क्यूकम्बर खाने का, बट मुझे कल हमारे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिली थी ना मैं, तो उन्होंने मुझे कुछ 3-4 चीज़ें मना की हैं खाने से, जैसे कि कर्ड, कर्ड, उड़द दाल और बनाना, क्यूकम्बर, ये आई थिंक मुझे लगता है सारी ठंडी ठंडी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे मना की हैं. अदरवाइज़ इसके साथ, आई होप इसके साथ ना कर्ड होता तो अच्छा लगता और क्यूकम्बर भी साइड में रख के खाती तो अच्छा लगता. बट यस, लेट्स टेस्ट इट जस्ट लाइक दैट. मैं कुछ और साइड डिश इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकती. सिंपल, लॉट ऑफ वेजेस, टेस्टी, यमी, हेल्दी, और क्या चाहिए मुझे. क्या बन रहा है परी? ये पिज्जा डो. पिज्जा डो? कहीं पिज्जा खिला रही है क्या मुझे आज? ये पिज्जा डो से क्या बनता है? पिज्जा ही बनता है ना, कुछ और भी बनता है? क्या बनता है बताओ हमें, क्या बनता है जो मैं आपको बहुत पहले से बोल रही हूँ दिलाने के लिए, लेकिन अब दिला ही नहीं रही है. क्या है परी बोलो, मैं नहीं खा पाई तो तुम ही खाना फिर अकेले. खा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैसे करती हो देखो, कुछ ना कुछ. परी लव्स कुकिंग, कुछ ना कुछ बनाने का बस चढ़ा ही रहता है परी को. हाँ परी बता दे यार, क्या बना रहा है तुम? हाँ, फिर आप ना नाम सुन के ना फिर डर जाती हो. डर जाती हूँ मैं, हार्ड बना रही करके. चलो बता दो आखिर, अब बता ही दो, डरा ही दो मुझे. मैं अपने कान बंद कर लेती हूँ. मैं बना रही हूँ लावा पिज्जा. क्या? लावा पिज्जा. उसमें से आग निकलेगी क्या? हाँ वो लिटरली निकलेगी. नहीं अच्छा, तो वो नहीं वाला तो नहीं है कहीं कि चारों तरफ से पिज्जा होता है, बीच में एक बाउल जैसा होता है और उस बाउल में वो समथिंग चीज होता है कि क्या होता नहीं, है वो नहीं. आजकल वो पिज्जा आ रहा है ना. और ये आप ही के चैनल से देख के कर रहा हूँ मैं पिज्जा डो का रेसिपी. मेरे चैनल से देखा है पिज्जा डो की रेसिपी, दैट्स गुड थिंग. अरे लेकिन परी अपने पास चीज है फिर कैसा? विदाउट चीज फुल बनेगा. अरे लेकिन चीज बस नहीं भी है तो चीज पिज्जा में, पिज्जा बिना चीज का कैसे बनता बेटा? क्या करें हैं घर में तो, बिना चीज का पिज्जा कैसा लगता है? वही तो बोल रहा हूँ. ऐसा कैसा बनाती तुम? तो चीज मंगा लो फिर. इसको मैरिनेट करने रखूंगी ना जब आधे घंटे के लिए. जैसे आपके आपने बोला अपने चैनल में इंस्ट्रक्शंस. यस, उसको फॉलो करते पता है उसको, अगर तुम पिज्जा डो को वाह नीड करके उसे साइड रखोगी और फिर जब आधे घंटे का पिज्जा डो को ऐसे कट करोगी या उसको बेलोगी, प्लफी प्लफी हो जाता है एकदम वो. ये सेकेंड टाइम है मैं आपका बना रही हूँ. मैंने फर्स्ट टाइम अच्छा बना था ना? नहीं फर्स्ट टाइम वो कट कट वाला बना था ना, ओवर बेक कर दिया था मैंने. ओ हाँ वो वाला, वरना सही बनता, ओवर बेक करता था. ठीक है चीज मंगा लो. एलेक्सा स्टॉप. चलो बेल लिया 5 मिनट. एलेक्सा सुन ली यहीं से?
आज मैं भी छत पे गई थी वॉकिंग करने के लिए, थक गई, आके ऐसे लेट गई मैं तो। अभी मुझे खाना भी बनाना है, पता नहीं परी क्या पिज्ज़ा पिज्ज़ा करती रहती है। और मैंने बोला बाहर से मंगा लो खाना है, तो नहीं मैं बनाऊंगी मैं खाऊंगी। परी लव्स कुकिंग, शी लव्स कुकिंग, उसे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। देखते हैं थोड़ा टेस्ट कर लूँगी, पिज़्ज़ा तो मुझे भी अच्छा लगता है। गेस वॉट, मैंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया है और परी ने बनाया है पिज़्ज़ा। आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड वॉल्केनोस पिज़्ज़ा ना परी, वॉल्केनोस पिज़्ज़ा जो मैं ऑलरेडी ऐड में देखती रहती हूँ, टीवी पे ऐड आती है। तो गाइस आई मतलब बहुत गर्म है प्लेट, कैन यू जस्ट सी दिस वॉल्केनो पिज़्ज़ा, ओह माय गॉड। ये देखो बीच में वॉल्केनो एंड दिस इज़ द पिज़्ज़ा, अनबिलीवेबल गाइस। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से पिज़्ज़ा आया है घर पे, बट इट इज़ होममेड। माय डॉटर लव्स कुकिंग एंड शी कुक्स रियली सो गुड एंड यमी। और मैंने बिल्कुल हेल्प नहीं किया बिकॉज शी डजेंट वॉन्ट माई हेल्प। आई वॉन्ट टू टेस्ट इट, सीरियसली आई वॉन्ट टू टेस्ट इट, इट्स डूइंग सो यम। परी डू यू वॉन्ट से एनीथिंग? What did you make? I made Volcano's pizza, which I don't know how it's gonna taste because I just invented something. I knew the idea, but the marination of paneer, I just added few spices. I don't know how it's gonna taste. Oh my goodness. First time I'm having Volcano pizza. Let's see how it tastes. Yay! Just see how the Volcano pizza is looking yummy yummy. Wow, very seriously looks so yum. Wow, cheese pull to acha hai pari. Hot hai kya? Khaya nahi jayega na, ekdam garam garam. Ek minute. Ah, gamma gamma gamma, bahut garam hai ye to. इसमें डिप करके खाते हैं। अच्छा ये वॉल्केनो में डिप करना पड़ता है। हाँ। और इसमें क्या होता है वॉल्केनो में? वॉल्केनो में वॉल्केनो का लिक्विड होता है। पिज़्ज़ा हैव इट, दिस फॉर यू गाइस, फर्स्ट बाइट टू माय सब्सक्राइबर्स माय व्यूअर्स। वाह, ये बिल्कुल नहीं लग रहा घर में बनाया, ऐसा से बाहर से मंगाया है। एकदम पिज़्ज़ा हट की याद आ गई परी। वाह बहुत अच्छा बना है, एकदम यमी है, टेस्टी है। चीज पुल भी बहुत अच्छा आ रहा है, नाइस, वेरी गुड परी। लगता है मुझे खाना बनाने से संन्यास ले लेना चाहिए, किचन डिपार्टमेंट परी को सौंप देना चाहिए। हैं परी सौंप दूँ किचन डिपार्टमेंट? कैसा लगा परी को, कैसा लगा? यम ना, मस्त है, लेट मी एंजॉय। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, खाना पीना हो चुका है जो हमारी परी मैडम ने बनाया था। और यस अब हम सो रहे हैं, मिलेंगे आपसे कल अपने ब्रांड न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर एंड राधे राधे।